हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक इन अनुज कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं बिना गैस जलाए कोकोनट बर्फी, एकदम हलवाई जैसी बर्फी। वीडियो देखने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है 85 ग्राम्स, शुगर 50 ग्राम्स ली है मैंने, और कोकोनट पाउडर 125 ग्राम है। और अभी हम एक बाउल में कोकोनट पाउडर ऐड कर लेंगे और मिल्क पाउडर भी उसी में ऐड कर लेंगे। और अभी मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ और इसका डो बनाने के लिए हम यहाँ पे दूध यूज़ करेंगे। आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको चीनी की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क मीठा होता है। इसका एक स्मूथ डो बना लेंगे हम। बहुत ही कम दूध में ये डो बन के रेडी हो जाएगा। हमारा डो रेडी हो गया है। अभी इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है हमें। और अभी मैंने एक कटोरी में ग्रीन कलर ऐड किया है। आप चाहो तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला कलर नहीं है तो आप बीट रूट को कद्दूकस करके उसका जूस निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। उसका भी कलर बहुत अच्छा आता है। और कलर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने एक थाली को ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर पहले मैं व्हाइट वाला कोकोनट अच्छे से फैला दूंगी। उसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम। और अभी मैं ग्रीन वाला डो है वो भी इसके ऊपर ही रख के इसको सेट कर दूंगी। अच्छे से दबा के सेट करेंगे हम। और अभी मैंने थोड़ा कोकोनट लिया है और इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। इसको सेट होने के लिए मैं फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के बाद ये सेट हो गया है। अभी हम इसे काट लेंगे। आप अपने हिसाब से पीस कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े, जैसे भी आपको पीस कट करने हैं आप कट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है और बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है। और इसे बच्चे भी बना सकते हैं आराम से। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो आप व्हाइट भी रख सकते हैं। ऐसे ही व्हाइट को सेट कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।